नमस्कार मित्रों, ओएलआई में आपका स्वागत है। आज हम गणित के विषय त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, परंतु इसे पढ़ने से पहले आपको त्रिकोणमिति की मूल अवधारणा यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। यदि आपको उसमें दिक्कत आती है तो ओएलआई में उसके लिए भी वीडियो मौजूद है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आज का हमारा विषय त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होने वाला है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम त्रिकोणमिति की भूमिका, ऊंचाइयां और दूरियां पढ़ेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि हम त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करके प्रश्न हल करने में सफल हो पाएं। त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरियां परिकलित करने में होता आया है। इसका प्रयोग भूगोल और नौचालन में किया जाता है। इसका प्रयोग मानचित्र बनाने में और देशांतर और अक्षांश के सापेक्ष एक द्वीप की स्थिति ज्ञात करने में की जाती है। जब हम किसी मीनार या किसी ऊंचे भवन को देखते हैं, तो हमारी आंखों से उसके शिखर तक की खींची गई रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा से बने हुए कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। यह भूमि तले एक व्यक्ति एक आसमान में उड़ते हुए एक पतंग को देख रहा है, तो उसकी आंखों से जो पतंग की ओर खींची हुई रेखा है, उसे हम दृष्टि रेखा कहेंगे। और यहाँ पर आपको क्षैतिज स्तर का अनुमान भी अच्छे से लग रहा होगा। हम जिस स्तर से देखते हैं, उसे ही क्षैतिज स्तर कहते हैं, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा से बने हुए कोण को ही हम उन्नयन कोण कहते हैं। एक व्यक्ति किसी ऊंचे भवन पर खड़ा है और वह भूमि तल पर रखी हुई किसी वस्तु को देख रहा है। दृष्टि रेखा वही होगी, उसके आंखों से उस वस्तु की ओर खींची गई रेखा। क्षैतिज स्तर भी वही होगा, उसकी आंखों का जो स्तर है, और क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा से बने हुए कोण को हम अवनमन कोण कहेंगे। दोस्तों, यदि आपने ध्यान दिया हो तो अवनमन कोण हम यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन को कह रहे हैं, यानी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर खड़ा है और वस्तु भूमि तल पर है, तो वह उसे नीचे की ओर देख रहा है। और पिछले जो हमने पढ़ा उन्नयन कोण, उसमें व्यक्ति भूमि तल पे था और वस्तु उससे ऊंचे पायदान पर थी, तो उसे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण का नाम दिया था। अब हम प्रश्न हल करने के लिए तैयार हैं, तो हम एक आसान उदाहरण से शुरुआत करते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यहाँ पर BC मीनार है। धरती के एक बिंदु जो कि A है, उससे मीनार के शिखर की दूरी 30 मीटर दी हुई है, यानी हमें AC है वो 30 मीटर दिया हुआ है। धरती के उस बिंदु से मीनार की पाद बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करनी है, और हमें यह भी दिया हुआ है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमें दिया क्या हुआ है। हमें यह दिया है कि कोण CAB 30 डिग्री के बराबर है, AC 30 मीटर दी हुई है। हम त्रिभुज में अब त्रिकोणमिति के नियम लगाने का प्रयास करते हैं। हम यह जानते हैं कि cos 30 डिग्री यहाँ पे जो होगा वह AB बटे AC के बराबर होगा, और cos 30 डिग्री का मूल्य यदि आपको याद है तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो आप याद करने की कोशिश कीजिए। √3/2 यहाँ पर AB बटे 30 के बराबर आ जाएगा, जो कि AB 15√3 मीटर के बराबर आ जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक व्यक्ति एक भवन से 25√3 मीटर की दूरी पर है। तो यह 1.5 मीटर लंबा एक व्यक्ति और यह एक भवन और इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है, जो कि 25√3 मीटर के बराबर है, और हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और उसकी आंखों से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह हमें 30 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। तो हमें यह दिया हुआ है कि AB 25√3 मीटर है, और हम यह जानते हैं कि त्रिभुज ABC में अगर हम त्रिकोणमिति के नियम लगाएं तो टैन 30 डिग्री जो होगा वह AB बटे AC के बराबर होगा। तो टैन 30 डिग्री का जो मूल्य होता है वह 1/√3 होता है, जो कि 25√3/BC के बराबर आएगा। तो इससे हमें BC ज्ञात हो गया है, जो कि 75 मीटर के बराबर आ जाएगा। और दोस्तों, हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर आपको क्षैतिज स्तर का इस्तेमाल करना है।
जैसे वह व्यक्ति जो है वह 1.5 मीटर लंबा है, तो उसका क्षैतिज स्तर भूमि तल से 1.5 मीटर ऊपर होगा। तो अगर हमें भवन की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमें क्षैतिज स्तर से भूमि तल की जो दूरी है वो हमें BC में जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो BC होगी वह अगर आप आकृति में देखें तो वह भवन की पूरी लंबाई नहीं है। तो हमें भवन की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम उसमें क्षैतिज स्तर से भूमि तल की जो दूरी है उसे जोड़ेंगे, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 76.5 मीटर के बराबर आएगा। यह एक और उदाहरण है, भूमि के बिंदु P से 31 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ध्वज की लंबाई और बिंदु P की भवन से दूरी ज्ञात करनी है, और यहाँ पे यदि हमें √3 की जरूरत पड़ती है तो हम उसे 1.732 ले सकते हैं। तो आकृति की मदद से सबसे पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। यह हमारा बिंदु P है और यह हमारा भवन है जिसके ऊपर ध्वज लहराया गया है। भवन की लंबाई हमें दी हुई है जो कि 30 मीटर है, और भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह 45 डिग्री दिया हुआ है, और ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण बिंदु P से 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें यह दिया हुआ है, पहले हम बिंदुओं को नाम दे दें, और हमें यह दिया हुआ है कि भवन की ऊंचाई जो यहाँ पर BC है वह 30 मीटर है। त्रिभुज PBC में यदि हम त्रिकोणमिति के नियम लगाएं तो tan 45 डिग्री BC/PB के बराबर आ जाएगा। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि PB 30 मीटर है। हम त्रिभुज PBD में त्रिकोणमिति के नियम लगाएं तो tan 60 डिग्री जो होगा वह BD/PB के बराबर आएगा। तो BD हमें ज्ञात होगा जो कि 34.64 मीटर के बराबर आ जाएगा। और हमें ध्वज की लंबाई ज्ञात करनी है, तो अब यदि आप आकृति में देखें तो वह BD में से BC को घटाने से आएगी, यानी CD वही ध्वज की लंबाई है जो यहाँ पर 4.64 मीटर के बराबर आ जाएगी। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। एक नदी के तट पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार आपको आकृति में दिख रही होगी। मीनार के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 30 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमें मीनार की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। दोस्तों, यदि आपको प्रश्न नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को रोककर प्रश्न पहले 3-4 बार पढ़ें। हम इस प्रश्न को आकृति की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मीनार हमने बना रखी है, अब हम तट बना रहे हैं, और यहाँ पर हमारा DB जो है वह नदी की चौड़ाई है। और हमें प्रश्न में क्या दिया है, हमें प्रश्न में दूसरे तट से दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है। A से उन्नयन कोण 30 डिग्री है और D से 60 डिग्री है, और हमें AD की जो लंबाई है वह 30 मीटर दी हुई है। तो आइए पहले जो दिया है वह हम लिख लेते हैं। AD जो है वह 30 मीटर दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में यदि हम त्रिकोणमिति के नियम लगाएं तो tan 30 डिग्री जो होगा वह BC/AB के बराबर होगा, यानी AB BC√3 के बराबर आ जाएगा। त्रिभुज DBC में यदि हम त्रिकोणमिति के नियम लगाएं तो tan 60 डिग्री BC/BD के बराबर होगा, यानी BD BC/√3 आ जाएगा। और हमें प्रश्न में यह दिया है कि AB में से यदि हम BD को घटाएं जो कि AD है वह 30 मीटर दिया हुआ है। तो इससे हमें हल करने से BC की का जो मान है वह 15√3 मीटर आता है, और नदी की चौड़ाई DB जो कि 15 मीटर आती है। आइए हम एक अंतिम और रोचक उदाहरण देखते हैं। 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 91.5 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। यह लड़की जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, यह हमारा भूमि तल है,
यह गुब्बारे की पहले वाली स्थिति है, जिसका उन्नयन कोण हमें 60 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। कुछ क्षण बाद गुब्बारा जो है वह कुछ दूरी तय करके कहीं और पहुंच जाता है और उसका उन्नयन कोण हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। और हमें यह दिया हुआ है कि गुब्बारा जो जिस क्षैतिज तल में उड़ रहा है उसकी जो भूमि तल से दूरी है वह 91.5 मीटर है। तो हम पहले बिंदुओं को नाम दे देते हैं। अब हमें बी सी और डी जो आएगा वह 91.5 माइनस डेढ़ करने से 90 मीटर के बराबर आ जाएगा। और यदि हम त्रिभुज एबीसी में त्रिकोणमिति के नियम लगाएं तो टैन 60 डिग्री बीसी बटी एबी के बराबर होगा, तो एबी 90/√3 मीटर आ जाएगा। त्रिभुज एडीई में यदि हम त्रिकोणमिति के नियम लगाएं तो टैन 30 डिग्री डी बटे एडी के बराबर आ जाएगा, तो एडी 90/√3 आ जाएगा। तो हमें गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है जो कि बीडी के बराबर होगी, और वह एडी में से एबी को घटाने पर आएगा, जो हमें 60/√3 मीटर आ जाएगा। दोस्तों, आज हमने कुछ अच्छे और रोचक प्रश्न हल किए। आशा करती हूँ कि प्रश्न के हल करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले उसकी आकृति बनाना जरूरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ओएलआई को आपका समर्थन मिलता रहेगा।